credibility, right? To whom? To whom? A terrorist party? A terrorist organization? No. I have my accountability to people, to the people. Whether people accepted it or not, whether they have accepted this election or not, that is important. बांग्लादेश में जनवरी 2024 में आम चुनाव के मतदान हो चुके हैं, जिनमें प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी आवामी लीग पार्टी चौथी बार कार्यकाल के लिए लड़ रही है। इन चुनाव के पहले बांग्लादेश की राजनीति में तनाव और हिंसा का माहौल बना हुआ है। मुख्य विपक्षी बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी और उसके सहयोगी दलों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए देश भर में प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया था। वो कहते हैं कि शेख हसीना के नेतृत्व में निष्पक्ष और नियमित चुनाव संभव नहीं है। इसी बीच बांग्लादेश की एक प्रमुख समाचार पत्रिका की वेबसाइट को रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक कर दिया गया था। दैनिक नया दिंगत की वेबसाइट को 28 अक्टूबर को बंद कर दिया गया था, जब बीएनपी ने शेख हसीना के खिलाफ एक बड़ी रैली आयोजित की थी। इस रैली में हिंसा भी हुई थी, जिसमें कम से कम दो विपक्षी समर्थकों की मौत हुई थी। इस वेबसाइट को 2 नवम्बर को फिर से शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई, जिन पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। बांग्लादेश की राजनीति में दो महिला नेताओं के बीच कड़ी टक्कर है। एक तरफ शेख हसीना, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नेता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। उन्होंने साल 2009 से अब तक 3 बार प्रधानमंत्री पद संभाला हुआ है। दूसरी तरफ बेगम खालिदा जिया है, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की विधवा हैं। उन्होंने 1991 और 2001 में 2 बार प्रधानमंत्री पद संभाला है। इन दोनों को अक्सर लड़ती बेगम के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इन दोनों पार्टियों के बीच विरोध और टकराव का इतिहास लंबा है। साल 2014 के चुनाव में बीएनपी ने शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए चुनाव बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने आवामी लीग के पक्ष में था और चुनाव में धांधली हुई थी। इसके बाद बीएनपी ने संसद में अपनी सीटों को खाली रखा था। इस दौरान बीएनपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाए गए, जिनमें से कुछ आतंकवाद, हत्या और भ्रष्टाचार के आरोप थे। बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया को भी 2018 में एक भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें दूसरे मामलों में भी 10 साल की सजा हुई थी। उन्हें जेल में रखा गया था, लेकिन उन्हें अब अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। उनकी पार्टी ने उनकी रिहाई की मांग की है, लेकिन शेख हसीना ने इसे अस्वीकार कर दिया है। शेख हसीना की सरकार का दावा है कि वो बांग्लादेश को विकास की राह पर ले जा रही हैं। उन्होंने देश की आर्थिक वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा के क्षेत्र में कई परियोजनाओं को शुरू या पूरा किया है। उन्होंने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भी प्राथमिकता दी है। उन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए नरसंहार के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने इसके लिए एक विशेष अदालत का गठन किया था, जिसने कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि शेख हसीना के समर्थक कहते हैं कि वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश की गरिमा और सम्मान को बढ़ा रही हैं। वो कहते हैं कि वो देश के लिए एक विश्वसनीय और दृढ़ नेता हैं, जो देश के लिए बेहतर कल का सपना देखती हैं। वो कहते हैं कि वो देश के लिए एक विकासशील और शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना चाहती हैं। इसके विपरीत शेख हसीना के विरोधी कहते हैं कि वो बांग्लादेश को एक तानाशाही और अलोकतांत्रिक राज्य में बदल रही हैं। वो कहते हैं कि वो संविधान के न्यायपालिका, संचार, संसद, चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और सिविल समाज को अपने नियंत्रण में रखती हैं।
वो कहते हैं कि वो विपक्ष, मीडिया, विचारकों, विद्यार्थियों, श्रमिकों और अन्य आवाज़ों को दबाने के लिए हिंसा, गिरफ्तारी, यातना, हत्या और लापता करवाने का प्रयोग करती हैं। वो कहते हैं कि वो देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के बजाय अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जनता को भ्रमित करती हैं। शेख हसीना के विरोधी ये भी कहते हैं कि वो बांग्लादेश के बाहरी मामलों में भी असफल रही हैं। वो कहते हैं कि वो देश के आसपास के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में नाकाम रही हैं। वो कहते हैं कि वो भारत, चीन, रूस और अमेरिका के बीच एक संतुलित नीति नहीं अपना सकती हैं। वो कहते हैं कि वो रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दों को हल करने के लिए म्यांमार के साथ दबाव डालने में असमर्थ रही हैं। बाकी ये गौर करने वाली बात है कि बांग्लादेश के चुनाव में शेख हसीना की जीत पहले से ही तय लगती है, क्योंकि विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर रहा है और उनके पास कोई विकल्प सामने नहीं है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव हुए तो ये कहना तर्कसंगत नहीं लगता। इस चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी आवामी लीग पार्टी ने चौथी बार कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ा है। इस चुनाव के परिणाम भी पहले से ही निश्चित लग रहे हैं, क्योंकि देश के मुख्य विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है। इसीलिए माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ आवामी लीग लगातार चौथी बार संसदीय चुनाव जीतने जा रही है। इसके बावजूद आधिकारिक परिणामों का इंतजार करना होगा। फिलहाल ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।